से राष्ट्रीय समाज पार्टी भिवंडी शहर में ये पहली ओपनिंग कर रही है कार्यालय के अपने रामनगर में, और जिस तरह से आज दो जन को पद भी दिया गया, क्या कहना है सर आपका? राष्ट्रीय अध्यक्ष है जय माधुरी धनखड़ साहब, उनके आदेश के अनुसार जो आने वाला चुनाव है उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नए नए पद गठन कर रहे हैं और वार्ड का गठन करके मैं वार्ड अध्यक्ष अभी पद दिए हम लोग ने राष्ट्रीय समाज के वती में महागास्वर्गीय प्रदेश अध्यक्ष और महागास्वर्गीय उपाध्यक्ष का उन्होंने हमने महागास्वर्गीय उपाध्यक्ष के लिए कल्पना रामा जाधव इनको चुना है और महागास्वर्गीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के लिए श्रीमती कविता अशोक पिटोले इनको चुना हुआ है। जो हमारे महिला अध्यक्ष है मैं साजा अंसारी और हमारे प्रभारी है भार पाटिल साहब और जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है शिवजी मिश्रा साहब और जो सब पदाधिकारी जितने पदाधिकारी है धीरे शुक्रिया करता हूँ कि वो सब मिलकर हम लोग भिवंडी शहर में अपनी पार्टी गठन कर रहे हैं, नए लोग को चुन चुन के लाइए करके पार्टी को बढ़ावा देने का। हम लोग को इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? आज कार्यक्रम के बारे में अपेक्षा हम उद्घाटन किए राष्ट्रीय समाज पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रनायक महादेव गांधी अध्यक्ष भिवंडी शहर में जो अभी चालू किया है उसके माध्यम से मैं शुक्रगुजार करता हूँ। कल्पना राम जाधव इनको उपाध्यक्ष के पद के ऊपर दिया है, उनको बहुत जवाब दे दिया, उसके तहे दिल से मैं आभार मानता हूँ और आगे की शुभकामना देता हूँ कि आगे अच्छे काम करें और अपना राष्ट्रीय समाज पक्ष का ध्येय जो धर्म है और अपना महादेव जानकर साहब के जो विचार है अपने को घर घर तक जाना है, आने वाले इलेक्शन में अपने को प्रबल पे लड़ने का है, इसके लिए अपन पूरी ताकत से लड़ना है, इसके लिए अपने सब उम्मीदवार महानगर भिवंडी में महानगर में डालने का है और अपने जानकर साहब ने बोला है भिवंडी के लिए हम सब सपोर्ट करेंगे पूरा डालने का है, इसके लिए आपका उम्मीदवार ढूंढने का चालू है, वार्ड वार्ड में काम होना चाहिए, वार्ड अध्यक्ष बनना चाहिए और घर घर तक अपने को पहुँचाने का है। राष्ट्रीय समाज पक्ष का जो झंडा है गली मोहली में शहर में और सब जगह पर अपने को निभाना है और आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय पक्ष पार्टी जो है अपने भिवंडी शहर में उभर के आ रही है और इलेक्शन में तो अभी और ज़्यादा आएगा, हमको ये मालूम जानकारी लिए है कि इधर की अभी भिवंडी नाम महानगर पालिका में राष्ट्रीय समाज पक्ष का खाता खुलने वाला है, इतना हम गुहाई देता हूँ और आगे आने वाले हमें जो अपने पार्टी में जो प्रवेश किया है उनको मैं आगे की शुभकामना देता हूँ। आज जो महागास्वर्गीय पद इनको मिला है उसके बारे में क्या कहना है? और आज जिस तरह से ये जो स्लम इलाका है, स्लम इलाके में महिला आगे आ रही है राष्ट्रीय समाज पक्ष में, देखिए जो आज रामनगर में ये तो बहुत ही स्लम एरिया है, राष्ट्रीय समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है महादेव जानकर जी उनके आदेश अनुसार कि हमको भिवंडी शहर में हर जगह संगठन बनाना है, हर वार्ड में हमारे पार्टी का झंडा दिखना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता वहाँ होना चाहिए। ये स्लम एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ है लोगों को, तो इनका कहना है कि ये पार्टी से जुड़ के जो इनकी समस्या है उसका समाधान निकल सकता है। तो जो महिला है आज कविता मैडम को और कल्पना मैडम को जो पोस्ट दिया गया है वो इस काबिल है, इस एरिए में वो मिलजुल के जो भी रहेगा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और यहाँ की जो पब्लिक है जो भी इनकी समस्या है उनको हम सब मिलकर दूर करेंगे। ये हमारी पार्टी का बहुत बड़ा यानी हमारे पीछे बैकअप है कि आज भिवंडी शहर में जो भी काम जो भी समस्या है महिला टीम अब इतना आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी कि आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिला टीम ही हम उतारेंगे। जिस तरह से यहाँ पर जो ओपनिंग हुई है इस कार्यालय की, आज हमारे राष्ट्रीय समाज पक्ष महादेव जानकर जी के मार्गदर्शन के अंदर से हम लोग हर वार्ड हर घर हर गली हर मोहल्ला हमारा पार्टी का झंडा पहुँचाना है, इस उद्देश्य से आज हमने रामनगर में ऑफिस का ओपनिंग किया था, मैडम को उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। हमारी पार्टी ऐसी सोचे कि आने वाले इलेक्शन में महिला सीट कम से कम 50 सीट आनी चाहिए, इसीलिए महिलाएं ज़्यादा भाग ले रही है और आने वाले टाइम पे कुछ युवाओं का युवा जोड़ो अभियान हम भिवंडी में बहुत बड़े पैमाने पे चलाने वाले हैं। पद भेटलेला है महागास्वर्गीयचं राष्ट्रीय समाज पार्टीचं, एकूण तुम्ही काय चित्र निर्माण करतात आणि इथे जे आज ह्या इथे जो कार्यालय उद्घाटन केलं त्याच्याबद्दल? काय तुमची काय इच्छा आहे पुढे म्हणजे या पार्टीला? म्हणजे जे पण काम असलं ते आम्ही सगळे मिळून करू ना,
जे आजपद मला मिळालेलं आहे भिवंडी शहर महासभा अध्यक्ष या पक्षावर खऱ्या मनाने मी काम करू आणि या